होमवर्क भी चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कोलिजन? टकराव है ना, यानी व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड। तो कभी भी देखिए, जब दो बॉडी कोलाइड करेगा तो क्या होता है, जरा आप सुनिए। सपोज दो ऑब्जेक्ट है, इनका मास हो m1 और m2, ठीक है, अलग अलग मास के दो ऑब्जेक्ट, एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, विद सम वेलोसिटी। वन का वेलोसिटी हम बोल देते हैं u1 हो, और टू का वेलोसिटी क्या हो जाए, u2। अभी इफ वी हैव u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास ज्यादा है ना, तो क्या होगा आपके सर, समटाइम क्या होगा, है ना, ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, ये कम स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस समय बाद क्या होगा, ये इससे जाकर टकरा जाएगा, है ना, तो वी विल से दैट दे विल कोलाइड। अब कोलिजन के वक्त क्या होगा, यानी ये बिफोर कोलिजन का केस है, यानी कोलिजन के पहले ऐसा। अभी जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, तो जब ये टकराएंगे तो थोड़ा सा इनमें डिफॉर्मेशन आएगा, है ना, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा। तो दिस इज द केस ऑफ ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, इट इज ड्यूरिंग कोलिजन। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, कि फिर से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, यानी आफ्टर कोलिजन ये फिर से सेपरेट हो गए, लेट्स से दिस इज m1 दिस इज m2 आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद आप देखो कि इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है ना, सपोज इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। तो इस तरीके का जो कोलिजन है इसे हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। यानी देखिए कि बॉडी जो है उनका मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल, तो हम इसको 1D भी बोलेंगे, ठीक है, 1D कोलिजन। अभी हम जरा समझते हैं कि कोलिजन के दौरान होता क्या है। तो जब भी ये दो आपस में जैसे ही टकराएंगे तो क्या हुआ, इनमें क्या बना, कांटेक्ट, तो कांटेक्ट बनेगा, इसका मतलब दोनों के बीच क्या आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, यानी दिस m1 विल अप्लाई सम फोर्स ऑन m2 एंड m2 विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन m1, ठीक है। हम इसे लिख देते हैं, दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये फोर्सेस कैसे होंगे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये फोर्सेस कैसे फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो यहां पर वी कैन सी हियर दैट F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सो वी कैन राइट इट एज एफ
चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू बाई टाइम, और इसे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम इन वन बाई टाइम विद अ नेगेटिव साइन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन सी हियर, अभी ये देखो डेल्टा टी दोनों तरफ डेनोमिनेटर में है, इसे हटा दे इक्वेशन से, अब क्या लिखेंगे, दैट मींस चेंज इन मोमेंटम इन टू, अब ये माइनस साइन के साथ है तो इधर आएगा इक्वेशन क्या बन जाएगा, प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों को अगर हम एक ही सिस्टम बोल रहे हैं, एम वन एम टू एक सिस्टम फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू, इट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन, तो इसका मतलब है ये इट इज द नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो हम इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, यानी मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया है, इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम यहां पर कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी कोलिजन होता है तो उसमें उसमें आपको क्या मिलता है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो द लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन, अभी देखो यहां पर हम लिख देते हैं ऑल टाइप्स, अभी हम देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन जितने टाइप कोलिजन के होंगे उन सभी में क्या कंजर्व रहने वाला है, लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन रिमेन्स कंजर्व, ठीक है बच्चों, ठीक। अब हम देखेंगे कि ये जो कोलिजन जब हुआ तो एनर्जी के साथ क्या होता है, तो आप देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है ना, जैसे सपोज ये पूरी तरीके से एक इलास्टिक बॉडी हो, अगर ये कैसा हो, इलास्टिक बॉडी, तो उस केस में कोई भी एनर्जी लॉस होगा इनके सिस्टम से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट ऐसे टकरा रहे हैं, उस वक्त कोई साउंड प्रोड्यूस होता है ना, दो ऑब्जेक्ट टकराते साउंड भी प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस हो सकता है ना, तो उस समय क्या होगा, हो सकता है कि यहां से एनर्जी कुछ लॉस भी हो जाए, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रह भी सकता है और एनर्जी कंजर्व नहीं भी रह सकता, तो उसी बेसिस पे हम इसे कैटेगराइज करते हैं कोलिजन को दो कैटेगरी, पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन, क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में हम क्या बोलेंगे, क्या दिख रहा है, एनर्जी कंजर्व, ठीक है। अब इस सिस्टम में आप देखिए कि कैसी एनर्जी है इनके पास, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, हम इसे ग्राउंड लेवल में मान रहे हैं, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहने वाली, तो हम क्या बोलेंगे, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व इन द इलास्टिक कोलिजन, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक में क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है, तो वही कन्वर्ट होगी किसमें, अदर फॉर्म्स में लाइक साउंड, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व,
ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस भी हम देखने वाले हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो वो इसी का केस है, वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम डिटेल में इन दोनों को देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को। तो जरा इलास्टिक कोलिजन को जरा समझ लेते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन जो आपको होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। एक और यहां पर हम इसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ है, इसका अगर हम मॉडलिंग करना चाहें, अगर मॉडल बनाना चाहें एक सिमिलर मॉडल, तो ड्यूरिंग द कोलिजन आप देखोगे वी कैन थिंक इट ऑफ एज टू ब्लॉक्स कनेक्टेड विद रिस्पेक्ट लाइक दिस, ऐसा सोच सकते हैं ना। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि इनिशियली जो है ये कनेक्टेड नहीं था, मतलब ये एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में नहीं था, ऐसा इट इज लाइक दिस, दिस इज योर एम वन, दिस इज योर एम टू, एम वन एम टू, ये ड्यूरिंग द कोलिजन है। और ये कैसा दिख रहा है, अब फिर से ये ऐसा दिख रहा है। तो ये जस्ट इसका क्या है, ये एक मॉडल हमने बनाया, मॉडल एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में आगे हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि जितने भी मटेरियल्स है सब में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है, यानी स्प्रिंग वाली प्रॉपर्टी होती है। स्प्रिंग वाली प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ, वो थोड़ा डिफॉर्म होंगे और वापस ये अपना सेप रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर हो रहा है। पहले ये भी ऐसे मूव कर रहा था, ये भी ऐसे मूव कर रहा था, यू वन से यू टू से, ये ड्यूरिंग कोलिजन है। और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन है। तो ये वी वन से आगे मूव करने लगा, ये वी टू से आगे मूव करने लगा। ठीक है, ओके। लेकिन ये जस्ट इसका क्या है, ये मॉडल। एक्चुअली में हो क्या रहा है,